Hey everyone, good morning. मैं हूँ पौलमी एंड वेलकम टू माई चैनल बाइफोकल जिंदगी. कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी अच्छी हूँ. तो बहुत सुबह है अभी. बहुत सुबह मतलब क्या, 6:30-7:15 बज रहा होगा. तो अभी से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. दिन तो मेरा इसी टाइम से शुरू हो जाता है. तो उठ गई, फ्रेश हुई और अभी थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर पी रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी किचन में. तो थोड़ा बहुत जो भी बनाना है, लंच वगैरह, वो सब बनाऊँगी क्योंकि मोनोजीत का ऑफिस है, उसको पैक करके देना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है. तो अभी भागा दौड़ी शुरू हो जाएगा. तो मैं आपके साथ कोशिश करूँगी पूरा दिन अपना शेयर करने के लिए. बने रहिए मेरे साथ. तो आ गई अभी मैं किचन में और आते ही पहले मैं रात में जो बर्तन धो के रखती हूँ ना, उन सबको अपनी जगह पे लगा देती हूँ. इससे किचन क्लीन लगता है. उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड वगैरह निकाल लिया है क्योंकि अभी मुझे लंच बनाना है. मनोजीत का ऑफिस है और उसको लंच देना है. तो इसी का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ. सारा कुछ फ्रिज से निकाल लूँगी जो जो मुझे चाहिए होगा अभी, और उसके बाद मैं अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ. आज मैं बनाऊँगी छोले और जीरा राइस और यही उसको लंच में दूँगी. तो इसके लिए मैं पहले छोले बनाने के लिए प्याज लहसुन ये सब काट रही हूँ. छोले मैंने कल रात को ही बॉयल करके रख दिया था. इससे क्या होता है, आसानी हो जाता है बनाने में. तो इसीलिए मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था. और अभी मैं यहाँ पे मिक्सी चला के पूरा जो मसाला है वो भी तैयार कर लेती हूँ. और अभी मैंने गैस ऑन कर दिया और एक साइड में मैं अपना छोला बनाऊँगी. छोला को परफेक्टली बना के उसके बाद मैं राइस बनाने के लिए जाऊँगी. तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के थोड़ा क्यूब्स में ऐसे बड़े बड़े टाइप से काट के तेल में डाल दिया और प्याज को फ्राई कर लूँगी थोड़ा. और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन टमाटो और थोड़ा सा प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा था, उसको डाल रही हूँ. और सिंपल सा मैं ये बना रही हूँ, जैसे हर कोई बनाता है वैसे ही छोला बना रही हूँ मैं. तो इसको अभी अच्छे से मसाले को भूनूंगी और उसके बाद जो रेगुलर के मसाले आते हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर ये सब और स्वाद अनुसार नमक, यही डाल के मसाले को अच्छे से भून के उसके बाद बॉयल्ड छोले डाल के ये डिश में बना लेती हूँ. अभी मसाला भून गया तो मैं अपना बॉयल्ड छोला इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी. और उसके बाद जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डाल के ढक के इसको रख दूँगी. तो ये अपने आप होता रहेगा. तो एक काम मेरा हो गया, एक डिश बन गया. अभी मैं उस ये बिठा के दूसरी तरफ राइस की प्रिपरेशन करूँगी. राइस बनाने के लिए पहले मैं राइस को अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और उसके बाद इसका मैं जीरा को छौंक लगा के जीरा राइस बना दूँगी. छोले के साथ जीरा राइस खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है. तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहीं बना दूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ हो जाएगा और उसको खाने में भी अच्छा लगेगा. हर वक्त दिमाग में आता भी नहीं है कि क्या डिफरेंट बना के दूँ उसको लंच के लिए. तो कोशिश करती हूँ अच्छा कुछ देने का. तो अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया कुकर पे और उसके बाद उसमें जीरा डाल के और सिंपल सा मैं जीरा राइस बना लूँगी. और ये मनोजीत आ गया देखने के लिए कि मैं क्या बना रही हूँ. इसका हर वक्त का काम है, चेक करके जाता है सुबह.
बन गया मेरा जीरा राइस। देखिए कितना अच्छा बना है। और साथ में मैंने बना लिया है छोले, तो ये मेरे छोले हैं। तो अभी मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी और मनोजीत को दे दूंगी। अभी ये ऑफिस के लिए निकल रहा है, तो ये चला जाएगा, उसके बाद मैं बाकी का सारा भी जो काम रह गया है वो करूँगी। तो ये निकल गया और अभी मैं धीरे धीरे बाकी का सारा काम कर लेती हूँ। तो इस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आज मेरा लंच बनाना हो गया है, जो मैंने छोला और जीरा राइस बनाया वो मेरे लिए भी रखा हुआ है, मैं एक बार में ही बना लेती हूँ, खुद के लिए बाद में और क्या बनाऊँ। तो इसलिए तो आज जैसे मेरा लंच वंच बनाना हो गया, तो इसलिए मैं सारा बर्तन अभी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे क्या होता है काम रहेगा नहीं और मुझे फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए अभी मैं पहले सारे बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद किचन काउंटर टॉप वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, तो मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नहाने से पहले जस्ट घर वर साफ़ करके नहा लूँगी, तो इससे मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद के लिए। मेरा सारा काम हो गया, मनोजीत तो ऑफिस चला गया, उसके बाद जो भी किचन में काम था वो सारा मैंने कर लिया। इससे क्या होता है मुझे अभी टाइम मिल जाएगा, तो थोड़ा मैं एडिटिंग वगैरह जो भी है वो काम अपने लिए कर पाऊंगी। उसके बाद बाकी का घर का घर भर साफ करके नहाऊंगी, तो इसलिए और बाद में मैं आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि अभी जब फ्री टाइम मिला है तो आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट डे मैं क्या खरीद के लेके आई हूँ। और बहुत अच्छा मार्केट है ये, मतलब मैंने देखा था यूट्यूब में भी कि दादर हिंदमाता मार्केट साड़ीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो जाने के बाद मुझे भी लगा कि हाँ ज़रूर जाना चाहिए अगर अच्छा साड़ी अच्छा लहंगा लेना है। तो ये है मेरी साड़ी, ये देखिए, ये साड़ी मैंने लिया है। इसके साथ रेड कलर का पल्लू है और रेड कलर का ही इसका ब्लाउज पीस भी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ऐसे रेड में इसका पल्लू और ब्लाउज पीस आता है, बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। मैंने थोड़ा सॉफ्ट देख के ही लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे ना उतना अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता अभी तक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सॉफ्ट देख के साड़ी लिया है ताकि मैं पहन सकूँ अपने आप। और बाद में और भी शॉपिंग करूँगी, लेकिन अब फिलहाल तो एक ही लिया है, देखती हूँ उसके बाद लूँगी साड़ी लूँगी कि नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे साड़ी पहनती भी नहीं हूँ। और जैसे कि मेरा नया शादी हुआ है, तो मेरे पास इतना सारा साड़ी है ना अभी, जो मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाकी का मैं बाकी सब जैसे जीन्स वगैरह या फिर गाउन्स ये सब लूँगी, साड़ी और नहीं लूँगी। तो ये रहा मेरा साड़ी, कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, और मेरे पे अच्छा लगेगा कि नहीं। मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया ये कलर कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, इसके बाद में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। अभी मैं नहा के आ गई और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा, तो भगवान जी को थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दूँगी। ये रहा मेरा आज का लंच, जीरा राइस और जो छोले हैं, तो दोनों को ही मैंने थोड़ा गरम कर लिया है, तो अभी मैं अपना लंच कर लूँगी। अच्छा खासा लंच है आज। बहुत बहुत टेस्टी बना है, मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा बनेगा।
लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो खाना खा लेती हूँ। हे एवरीवन, लंच के बाद मैं अभी आपके साथ बिल्कुल शाम में मिल रही हूँ। लंच किया उसके बाद बहुत टायर्ड थी आज, सो गई और उसके बाद थोड़ा निकली थी। बाहर बारिश हो रहा था इसलिए कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं था। थोड़ा छोटा मोटा कुछ ख़रीद के लाना था, वो ख़रीद के लाई। तो आज का ब्लॉग मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।